वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज जो हमारा टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस यूनिट का हमने पहला लेक्चर जो डिलीवर किया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ही हमने पहला लेक्चर डिलीवर किया था, और उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक कंसेप्ट। उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से देखें, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आए। आज जो हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने अच्छे तरीके से देखना है। थोड़ा सा बेसिक्स कंसेप्ट फिर से आज आपको बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। हम अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इफ देयर इज वेरिएशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने कहा था अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस डिस्टरबेंस की वजह से हमारे पास स्पेस में एक वेव प्रोड्यूस होती है, जिस वेव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और मैक्सवेल ने कहा था अगर हमारे पास वेव प्रोपोगेट कर रही है एक्स एक्सिस पर, जो यहां पर मैंने लिखा है कि हमारे पास वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है किस पर, एक्स एक्सिस पर, तो उस टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास अगर वाई एक्सिस पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास जो वैरी करेगी वो हमारे पास किस पर, जेड एक्सिस पर वैरी करेगी। ये तीन के तीन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीन के तीन कंपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से आपको कहूंगा मैं अगर हमारे पास वेव प्रोपोगेट कर रही है एक्स एक्सिस पर, तो यहां पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है वाई एक्सिस पर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो वैरी करेगी हमारे पास किस पर, जेड एक्सिस पर। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास हमने कहा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास किस पर प्रोड्यूस होगा, वो जेड एक्सिस पर। तो जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा जेड एक्सिस पर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा किस पर, वाई एक्सिस पर, और इसी तरीके से हमारे पास वेव जो प्रोपोगेट करेगी वो किस पर, वो एक्स एक्सिस पर प्रोपोगेट करेगी। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इफ देयर इज अ वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर perpendicular to each other, the electromagnetic wave are produced perpendicular to both electric field and magnetic field. तो वही हम अभी मैंने कहा कि अगर हमारे पास wave propagate कर रही है x axis पर, तो हमारे पास electric field और magnetic field जो हमारे पास होगा वो y axis पर और z axis पर होगा। तीन के तीन components आपस में क्या होते हैं, perpendicular होते हैं। तो आज जो हम इनकी basic properties पर जाएंगे, हम सबसे पहले 1885 में Hertz ने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट जे एस बोस ने लैब में प्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 1895 में, और उसके बाद मार्कोनी ने 1899 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट भी करवाया। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था हमारे पास, थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बोला आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसके बाद हम अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो यहां पर मैंने लिखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेरेटेड चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारे पास जो है जो प्रोड्यूस होता है ये एसेरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होता है। जब भी हमारे पास चार्ज एसेरेट करता है तो तभी जाकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, या ऑसिलेटिंग चार्ज, जब हमारे पास चार्ज ऑसिलेट करता है तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है, हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास जो है, जब ये हमारे पास फ्री स्पेस में मूव करती है, फ्री स्पेस में एयर या वैक्यूम आता है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो किस होती है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट आपको पता ही है मैग्नेटिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹². तो जब ये दोनों वैल्यूज इधर आप पुट करोगे आप, तो आपके पास वेलोसिटी जो आपके पास आ जाएगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन फ्री स्पेस। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास फ्री स्पेस में मूव करती है, फ्री स्पेस में एयर या वैक्यूम आता है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी जो होती है हमारे पास, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो वेलोसिटी हम यहां से निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास होती हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर ऑन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता ही है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हमारे पास प्रोपोगेट कर रही है एक्सेस पर, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास जो होगी वो दोनों प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के परपेंडिकुलर में होगी। तो यही हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर में होते हैं, और हमारे पास यही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर में होती है। इसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास जो होती है, ये जो आपको स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है उसकी एनर्जी जो आपको मिलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलती है और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में मिलती है। आपको स्पेस में जो टोटल एनर्जी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मिलेगी, वो हमारे पास टोटल एनर्जी जो हमारे पास होती है वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, और दूसरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। इसका मतलब टोटल एनर्जी को हम यू से डिनोट करेंगे हम, तो ये किसी को होगा एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस द एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारे पास जो है, आपको जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इक्वली डिवाइड होती है, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डिवाइड हो जाती है, दूसरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हमारे पास ये एनर्जी डिवाइड हो जाती है, और ये इक्वली डिवाइड हो जाती है। इस एनर्जी को कहा जाता है, जैसे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, एनर्जी डेंसिटी, जैसे हम कहेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे पास स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है तो उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हुआ 1 मीटर क्यूब, अगर हम ले लेंगे हम 1 मीटर क्यूब की हमें हमारे पास जो है स्पेस जो है उसमें जो हमारे पास एनर्जी टोटल एनर्जी, उसको कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो ये जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास जो है टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टोटल एनर्जी डेंसिटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये किससे इक्वल होती है, ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होता है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ई क्या हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास होता है, लेकिन इसको कहा जाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आरएमएस वैल्यू, यहां पर हालांकि नीचे लिखा नहीं होता है आरएमएस, लेकिन इस ई की वैल्यू जो होती है ये ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल होती है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हमारे पास एक फ्री स्पेस में मूव करेगी, अगर मीडियम में मूव करेगी तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। इसी तरीके से जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी इन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास होगी 1/2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट के इक्वल होगा। तो यहां पर भी हमारे पास बी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये बी भी हमारे पास किसको होता है, बी नॉट डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल होता है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये भी हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और यहां पर देखिए हमारे पास ये म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम में मूव करेगी तो म्यू नॉट की जगह पर क्या होगा, म्यू होगा, वो हमारे वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक परमिटिविटी इन अ मीडियम। तो ये जो हमारे पास है ये एनर्जी जो आपको मैंने कहा, जो टोटल एनर्जी हमारे पास जो फ्री स्पेस में मूव करती है, जो एनर्जी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है और दूसरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। तो UE की वैल्यू ये होगी और UB की वैल्यू हमारे पास ये होगी। तो ये टोटल एनर्जी UE प्लस UB हमारे पास किसको होगा, UK को होगा, ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो यही हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी, उतनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहां पर अभी दिखाऊंगा मैं, जैसे हमारे पास मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट डिफेक्टेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे आप।
जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगी या नेगेटिव, ना ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पर चार्ज होता नेगेटिव तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती, अगर इस पर चार्ज होता पॉजिटिव तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर कोई चार्ज ही नहीं है, इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन होती है, ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वाइब्रेट करती है, जो वैरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वैरी करती है, वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव वैरी करती है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैरी करती है परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो उस टाइम हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, समझा। तो ट्रांसवर्स वेव आपको पता ही है ऑलरेडी, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव अगर आगे की तरफ प्रोपगेट कर रही है तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं। इसी तरीके से यहां पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैरी करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो वैरी करती है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के परपेंडिकुलर में। अगर वेव आगे की तरफ प्रोपगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर वैरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर वैरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जेड एक्सिस पर वैरी करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बोथ परपेंडिकुलर होंगे, किसके परपेंडिकुलर होंगे, एक्स प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर में होते हैं तो उस टाइम हमारे पास हम ये कहते हैं कि हमारी वेव जो है उसका नेचर जो है वो ट्रांसवर्स नेचर है। क्लियर आपको? ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी भी हमारे पास है कि हमारे पास E नॉट डिवाइडेड बाय B नॉट। इसका मतलब E नॉट का मतलब ये हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और B नॉट हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, C के इक्वल होता है। C हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। लाइट की वेलोसिटी फ्री स्पेस में जिसकी वेलोसिटी की जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कांस्टेंट है, वैल्यू हमारे पास क्या है कांस्टेंट 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये यहां से निकलता है। इसका मतलब रेशियो जो हमारे पास E नॉट डिवाइड बाई B नॉट, ये इनका रेशियो जो होता है वो C के इक्वल होता है। C होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लाइट की वेलोसिटी हमारे पास किसकी होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। तो E नॉट क्या होता है हमारे पास, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और B नॉट क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास किस इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। ये जो पॉइंटिंग वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हमारे पास ये पॉइंटिंग वेक्टर जो हमारे पास, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता होगा, तो यहां से हम इस एस की वैल्यू को निकालेंगे। हम एस होता है पॉइंटिंग वेक्टर, तो अगर हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे पास, इंटेंसिटी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी वो भी ज्यादा होगी। तो देखिए अगर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मेजर करना होगा, एक तो हम पॉइंटिंग वेक्टर से मेजर करते हैं, दूसरा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको कहेंगे हम, कितनी स्ट्रेंथ है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो ये किसको होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के इक्वल होगा। तो जैसे अभी हम कहेंगे कोई रीजन ले लेंगे हम, जिस रीजन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करेगी, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हमारे पास होती है, वेव है। ये क्या होती है, एक एनर्जी होती है। वेव क्या होती है, एक एनर्जी हमारे पास होती है वेव के फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर वेव किसी रीजन पर फॉल कर रही है, ये एनर्जी फॉल कर रही है, एनर्जी फॉल कर रही है, तो अगर हम इस रीजन का एरिया जो ले लेंगे, कितना एरिया ले लेंगे हम, 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे हम, तो 1 मीटर स्क्वायर में टाइम अगर हम ले लेंगे कितना, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी है, जो एनर्जी कहां से हमें मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो हमारे पास एनर्जी मिल रही है इसके 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में, तो वो जो एनर्जी जो होगी, हमें जो एनर्जी मिलेगी 1 मीटर स्क्वायर में, इसके 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में, वहां से हम मेजर कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी
हमारे पास इस रीजन में 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो यहां से भी हम इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब पॉइंटिंग वेक्टर जो होगा, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर वो किस होगा, वो इंटेंसिटी के इक्वल भी होगा। तो यहां से भी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल सकते हैं और पॉइंटिंग वेक्टर से भी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ओके।